और बाबाओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ की धरती में ऐसी तपस्वी धरती है जहाँ हमें आने का मौका मिला। मैं बालजी महाराज जी के दर्शन करके मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुझे आत्मिक बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश सरकार पर बना रहे और हम लोग आम जनता की, गरीब की, किसान की, महिलाओं की जो सेवा करने का भाव हमारे मन में है उसको हम कर सकें, यही इस मंदिर से आशीर्वाद लेकर हम जाना चाहते हैं। यही राधा कृष्ण मंदिर से आशीर्वाद लेकर आपकी सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रवास पर आए हैं, पहला आपका दौरा है, क्या कहना चाहिए? आज उन्ना विधानसभा क्षेत्र में सतपाल राजादा जी ने कहा कि राधा कृष्ण मंदिर में बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ आपको माथा टेकना है, एक तो इस संदर्भ में आया। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि एक रास्ता है, उसके लिए आपसे पैसे भी लेने हैं, तो उस पैसे का भी आपने प्रावधान करना है। अभी पूरे ज़िले का मेरा उन्ना का भी जो ऑफिशियल कार्यक्रम है वो आने वाले समय में बनेगा। अब तो सिर्फ इतना ही है कि हम लोग ये जो आज हमारे आध्यात्मिक जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होंगे। सर, लगातार भाजपा हमलावर है, अभी कुछ समय ही सरकार बने हुए हैं और लगातार बयान आ रहे हैं कि सरकार ओपीएस में दे रही है और 1500 रुपये की बात हो रही है, तो इस प्रकार क्या कहना है? नहीं, ये बात गलत है कि ओपीएस तो दे दिया है जी, पर उनकी तरह हमने काम नहीं किया। हमने ओपीएस में बजट का प्रावधान किया, पूरा सोच विचार करके मैं और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने बजट की पूरा इंतजाम किया, अधिकारियों से बात की, कर्मचारियों से बात की और फिर उसके बाद हमने ओपीएस लागू किया। और जब कैबिनेट फैसला कर लेती है अपनी पहली में तो ओपीएस लागू हो जाता है। हम उनकी तरह काम नहीं करते कि सिक्स पे कमीशन तो लागू कर दिया और एरियर पेंशन भोगियों के भी नहीं दिए और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के भी नहीं दिए। और जो डीए तो घोषणा कर दी पर 992 करोड़ रुपया डीए की किस्त भी नहीं दी। हमने तो ओपीएस में बजट का प्रावधान कर दिया। अब तो एसओपी होता है, फॉर्मेलिटी होती है, अब जो लोग रिटायर होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी, जो आपने 1500 की बात की है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूरे 5 वर्ष के लिए आई है, 10 में से 1 गारंटी पहली कैबिनेट में पूरी कर दी, आने वाले सालों के लिए भी कुछ गारंटियाँ रहने दीजिए। निश्चित तौर पर जो हम कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो सभी गारंटियों को हम पूरा करेंगे, चाहे उसमें 1500 रुपये देने की भी बात हो। सर, सिग्नेचर अभियान चलाएगी भाजपा, ऐसा जयराम ठाकुर कह रहे हैं। विपक्षी पार्टी का दायित्व होता है उनको चलाना भी चाहिए। गौतम गांधी मामले पर सरकार का कहना है कि उन्हें बैंकों के सारे प्रोसीजर चेक कर लिया है, किसी भी प्रावधान को कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार, हम उनके कंपनी की कार्यप्रणाली पर नहीं उंगली उठा रहे, हम तो हिमाचल प्रदेश ट्रकर्स की जो मांग है उसकी बात कर रहे हैं। हम कि उनके कागजात चेक करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के ट्रकर्स है उसका हित देखना हिमाचल का सरकार का भी काम है और उद्योग का भी हित। कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? देखिए, अब तो खुद भी वार्तालाप होने लगी, जब खुद दोनों पार्टियां वार्तालाप करती है तो मामला जल्दी सुलझने की उम्मीद है और मेरे को लगता है कि इन 2-4 दिनों में मामला सुलझा लिया जाएगा। जी, धन्यवाद।